इतना कहा कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है, 20 बंदों की टीम है, टेक्नोक्रेट्स तैयार है, पूरी दुनिया से बुलाऊंगा। लेकिन ये भी सर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज ही ना, एमक्यूएम बैठी हुई आपके साथ, पीएमएलक्यू बैठी हुई आपके साथ, जीडीए फ्यूडल्स बैठे हुए आपके साथ, आपको अजीब लगता है एमक्यूएम कैबिनेट में बैठी होती है? मतलब इट्स सो स्ट्रेंज कि आपने, हमने मीडिया में आपको उनके खिलाफ जंग लड़ते हुए देखा और आप उसमें यू आर अलोन, आपके साथ एक पार्ट, आपकी एक टिकट थी और आप इतने बड़े माफिया के खिलाफ लड़ लेते, आज आप उनके साथ बैठे हुए, आपको अजीब नहीं लगता? आप क्या मिलता है आपसे उनको? तो आपने डक्कू कहा, उनका आपसे क्या मिलता है? आपने कहा था लूट लिया इन्होंने पंजाब, नहीं, नहीं अब आप अपनी टीम से सेटिस्फाइड है? ढाई साल गुजर गए, सवा दो साल गुजर गए, फवाद चौधरी साहब को हटा के आप फिर दो हाशिक अवान साहब को लेके आए, फिर उनको निकाल के उनको आप पंजाब में ले गए, मतलब इतने उन पर चार्जेस और इल्जाम लगे आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के जराये से पता चला, या तो वो गलत थे या वो सही है। अब आ गए शिबली फराज साहब, तो मैं कह रहा हूं अब जो आपकी टीम है वो अब उस पर आप ठीक है, उसके बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे अभी और 5 साल चाहिए इस मुल्क के हालात को ठीक करने के, मतलब आप कुछ ऐसा डिलीवर करेंगे? आप इतना ज्यादा कहते रहे कि एक मिनिस्टर की मिनिस्ट्री के अंदर जब ब्लंडर्स हो जाएं तो एहतसाब हो ही नहीं सकता, जब इंक्वायरी चल रही हो उसको रिजाइन करना चाहिए, और हमने ब्लाइंडली आपको फॉलो किया, खासतौर पर साद रफीक साहब के दौर में अवाम की जेबों से 5 अरब रुपए गया, लेकिन जहांगीर तरीन ने आपकी क्रेडिबिलिटी हिट की, उनके खिलाफ आप एक लफ्ज ही बोलते, नवाज शरीफ के खिलाफ आप सही बोलते, टूटी भी उन्होंने तोड़ी हो तो आप कहते हैं माफिया, इतना बड़ा शुगर माफिया, उसके इतने बड़े मैनिपुलेटर एलिजिबिलिटी, वो उसमें आप कोई बात नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई है सर उससे।